दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मलेरिया रोग क्यों होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, इस मलेरिया के रोग में कौन सी दवा लेनी चाहिए, ठीक है, और कैसे इसको नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत छोटे से छोटे वीडियो में समझेंगे। मलेरिया जो है एक प्रकार से प्रोटोजोआ संक्रमण रोग है, ठीक है, जो संक्रमित मच्छर को काटने के बाद अगर किसी अन्य व्यक्ति को वो मच्छर काटता है तो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। अक्सर क्या होता है, देखिए इसमें जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, ठीक है, नर वाले नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है। अब यह मच्छर क्यों काटता है इस चीज को समझिए। देखिए मान लीजिए एक मच्छर है और दूसरा मच्छरनी है, तो मच्छर आपको कभी नहीं काटता है, और मच्छरनी होती है यानी मच्छर की पत्नी मच्छरनी, वो गर्भवती होती है यानी उसके अंदर एग होते हैं, अंडे होते हैं, और उस अंडे को जीवित रखने के लिए उसको ब्लड चाहिए यानी खून चाहिए। अब खून चाहे किसी का हो, चाहे मनुष्य का हो, गाय घोड़ा बकरी हाथी, चाहे किसी भी जानवर का खून चाहिए, लेकिन वो अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए उसको ब्लड की आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि एक माँ की ममता कैसी होती है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जंग लड़ सकती है, सेम वैसे ही होती है। माँ की ममता जो है अनमोल होता है, सेम वैसे ही मच्छरनी के अंदर होता है। मच्छरनी जो होती है अपने एग को जीवित रखने के लिए, अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए वो डंक मारती है, ठीक है, और डंक मारते, और मच्छर के शरीर पे एक परजीवी होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, वो उसके रोई में छोटे छोटे, जब आप माइक्रोस्कोप से एक मच्छर के टूर को देखिएगा, उसके बॉडी को देखिएगा, तो उसमें काफी छोटे छोटे रोए होते हैं, उस रोए में जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है परजीवी, वो चिपके हुए रहते हैं। जब वो अपना टूर को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस टूर में जो चिपके हुए प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। मिलने के बाद धीरे 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 ये हमारे पूरे बॉडी में जितने जगह है जहां पर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस जगह पे वो प्लाज्मोडियम जो है परजीवी पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ब्लड कहां पे स्टोर होता है, तो आप सभी जानते हैं पलिया में। पलिया को हिंदी अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं, और एक और हिंदी नाम है जिसको बोलते हैं तिल्ली, ठीक है, ये स्टोर रूम है जहां पे ब्लड स्टोर होता है, ब्लड प्यूरिफाई भी होता है, ठीक है, यानी जो भी गंदे ब्लड होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है और नया ब्लड को स्टोर करता है। वह तिल्ली जो होता है जहां ब्लड स्टोर होता है, जो हमारे बाएं तरफ स्थित होता है पलिया, ठीक है, वहां तक पहुंच जाता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी। अब यह पहुंच करके वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में अपनी संख्या को वृद्धि कर देता है प्रजनन के द्वारा, ठीक है, आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव में बहुत ही जल्दी प्रजनन होता है और एक सेकेंड में उनके कई करोड़ बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा प्रजनन होता है। अब ये पलिया को समझ में नहीं आता है कि इतना सारा ये है क्या चीज, धीरे धीरे वो ब्लड को काफी डर्टी यानी गंदा कर देता है जिससे हमारा ब्लड दूषित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पलिया का आकार बढ़ जाता है, जबकि हम आपको यहां पे बताए हैं कि पलिया का आकार बढ़ जाता है मलेरिया रोग में, जो है पलिया का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी टूटने में संख्याओं में कमी हो जाती है, रक्त की मात्रा शून्य हो जाती है यानी ब्लड जो होता है उसकी संख्या काफी कम हो जाती है, जिस के कारण शरीर में काफी तेज से ज्वर बुखार कपकपी ठंड और जोरों में दर्द हो जाता है, ऐसा की मात्रा बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो वही परजीवी जो है हमारे बॉडी में काफी ज्यादा इंफेक्टेड होता है, इसके लिए टेस्ट करके और इसकी जो उचित उपचार होता है वो उपचार कराए जाते हैं।